शिवाय नमस्तुभ्यं दर्शकों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको अमावस्या के दिन करना है। अमावस्या के दिन का बड़ा विशेष महत्व होता है। अमावस्या पुरुषोत्तम के मास, तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती है, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती है, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। देखो, यह उपाय आपको सुबह स्नान करते समय करना है। आप तुलसी की लकड़ी हो या तुलसी की माला हो, उससे आप इस उपाय को करें। जब स्नान करने जा रहे हो तो स्नान वाले बाल्टी में आप उसे मारकर लकड़ी को अलग रख दीजिएगा। उसके बाद उस पानी से आप स्नान करें। दर्शकों, प्रेदोष काल में आपको दीपदान अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति 5 स्थानों पे दिए लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो 5 स्थान दर्शकों कौन कौन से हैं? तो पहला दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे घी का दीपक लगाना है। दूसरा दीपक दर्शकों आपको लगाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। तीसरा दीपक आपको जलाना है आपके आसपास कोई कुआं हो, तालाब हो, बावड़ी हो तो वहां पे आप जला दीजिएगा। चौथा दीपक दर्शकों आपको जलाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और पांचवा दीपक आप या तो महादेव के मंदिर हो वहां जला दीजिएगा या अब्बट के वृक्ष के नीचे जला दीजिएगा। इस तरह से आपको 5 दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।